Dear students, Assalamu Alaikum. We are coming to the culmination of our inventory management system in QuickBooks. Previously, what we did was we took on an inventory item, registered it, created a bill, paid it off, and finally, we created and printed a physical inventory form. Based on this worksheet, we did an फिजिकल ऑडिट ऑफ आर इन्वेंट्री स्टॉक एंड नाउ दैट वी हैव टेकन आर फिज़िकल ऑडिट वी आर रेडी टू इनकॉर्पोरेट ऑल द चेंजेस विच वी माइट हैव ऑब्जर्व्ड एंड नोटिस्ड ड्यूरिंग दिस फिजिकल ऑडिट प्रोसेस जब हमने फिजिकल ऑडिट किया तो हमें पता चला कि हमारे पास हमारे कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री और फिज़िकल ऑन साइट स्टॉक और इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ फ़र्क है जब भी हमारे पास ये फ़र्क नज़र आएगा तो अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हमने उसके दो काम करने हैं एक तो उसको एनालाइज़ करना है और देखना है कि ये फ़र्क आया क्यों क्या वजह है कि चीज़ें हमारे पास कम हो गई एक्सपायरी आ गई तो हमें पता क्यों नहीं चला हमने वो वाला पुराना माल पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर लिया अगर कोई स्पॉइलेज आ गई है तो क्या स्टोरेज सही नहीं थी या कोई चीज़ हमारे पास टूट गई इन तमाम चीज़ों को हमने एनालाइज़ करके करेक्ट करना है ये सारे फिज़िकल काम हैं जो हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स करते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि इनकी वजह क्या थी इसको बेहतर कैसे बनाना है लेकिन उसके साथ साथ जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमने अपने पास कंप्यूटर में भी इस तमाम इन्वेंट्री को इसकी वैल्यू को अपडेट करना है ताकि हमें ये पता चल सके कि अब इस फिज़िकल ऑडिट के बाद हमारे पास असल में क्या सूरत हाल है जब हम ये फ़िज़िकल ऑडिट करके अपने पास इन्वेंट्री में डालते हैं तो उस वक्त हमारा फिज़िकल इन्वेंट्री और हमारी कंप्यूटर इन्वेंट्री दोनों मैच कर जाती है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पीरियॉडिकली हम ये ऑडिट करते रहते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे असल में गोदामों में हमारे वेयरहाउसेज़ में स्टोर रूम्स में क्या माल पड़ा हुआ है और उसमें और हमारे कंप्यूटर बेस्ड जो रिकॉर्ड है उसमें क्या कोई फ़र्क है और इसके अलावा जो हमारा रिज़ल्ट आता है हम उसके ऊपर बेस करके अपनी दोनों तरह से असलाह करते हैं हम अपने सिस्टम में भी उसकी करेक्शन करते हैं और हम ये देखते हैं कि आइंदा जो हमसे ये हो गई गलती वो ना हो अब हम देखते हैं कि जो हमने फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट बनाई थी उसका जो रिज़ल्ट आया है उसको हम अपने सिस्टम को एक बुक्स में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे जो भी रिज़ल्ट आया है वो हम इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग का मेकनिज़म भी आ जाए हमारे पास हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो ताकि हम किसी को बता सकें कि हमने इस वजह से इन्वेंट्री को छेड़ा था यानी कि या उसे बढ़ाया था या उसे घटाया था रीज़न हमारे पास होगी और उसके ऊपर हम ये तमाम की तमाम अपनी इन्वेंट्री की जो स्टॉक की पोजीशन है वो हम ठीक कर पाएंगे सो लेट्स गो ओवर टू आर क्विक बुक्स एंड सी हाउ इट इज़ फिजिकली डन ऑन क्विक बुक्स क्विक बुक्स में अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा हमने एक रिपोर्ट क्रिएट की थी और ये हमने प्रिंट करके अपने ऑडिटर्स को दी थी जिन्होंने जाके फ़िज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट के ऊपर मार्किंग की है कि एक्चुअल हमारी ऑन साइट इन्वेंट्री है क्या जहाँ जहाँ मैच कर गई वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं करना जहाँ डिस्क्रिपेंसी आई है और डिफरेंस है बिटवीन फिज़िकल इन्वेंट्री एंड कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री वहाँ हमने उस चीज़ को करेक्ट करना है करेक्ट करने का तरीका ये है कि जब हमारे पास ये वाली शीट फिल्ड हो के फिज़िकली पेन से या पेंसिल जैसे भी आपने इसे रिकॉर्ड किया वो आ जाए तो उसके बाद हमने ये जो भी हमारी कमी व बेची है वो हमने किसी ना किसी मैनेजमेंट के बंदे से जिसको ये अथॉरिटी है उसको ओके okay करवाना है और उसके बाद हमने आके अपने पास कंप्यूटर में इसकी करेक्शन करनी है सो यू नॉट ओनली नीड दिस फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट फिल्ड बट ऑल्सो इंडोस्ड एंड ऑथराइज्ड बाय द रेलिवेंट अथॉरिटी जब ये आपके पास दोबारा आएगी इसका प्रिंट आउट तो इसके ऊपर साइन और स्टैम्प होगा कि ये चीज़ अब हमारे पास रिकॉर्ड में आ जानी चाहिए जब ये आ जाएगी तो हम इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे आए देखते हैं आपको पता है कि ये सारा जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो हैंडल होता है वेंडर के अंडर तो हम वेंडर्स में जाएंगे और आपके पास इसमें जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ हमारे पास आइकन से भी चल सकती है बटन से भी चल सकती है और यहाँ भी उसकी तमाम चीज़ें लिखी हुई है हमने जाना है इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ में इन्वेंट्री एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास वो फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट भी मौजूद है और एक जो चीज हमारे पास मौजूद है उसका नाम है एडजस्ट क्वान्टिटी एंड वैल्यू ऑन हैंड ये वो फॉर्म है जो हमने अब फिल करना है बेस्ड ऑन आर फिजिकल इन्वेंट्री वर्कशीट जो कि ऑथराइज होके करेक्टेड हमारे पास इन्वेंट्री की क्वांटिटीज लेके आई जैसे ही आपने ये शीट खोली तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि इस शीट में जो रेफरेंस नंबर आ रहा है जो इस डॉक्यूमेंट का नंबर है वो वन है इसका मतलब है पहली दफ़ा हम अपने पास गेन या लॉस रिकॉर्ड करने हैं। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो हमारे पास फिज़िकल इन्वेंट्री को हमारे जो कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंट्री है उसके ऊपर करेक्शन के लिए आया है दूसरी चीज़ एडजस्टमेंट टाइप हमारे पास तीन एडजस्टमेंट टाइप्स हैं सबसे पहली है क्वांटिटी बेस्ड दूसरी है वैल्यू बेस्ड और तीसरी है क्वांटिटी एंड वैल्यू बेस्ड अब आपको इनके नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि जब हम क्वांटिटी ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अंदर फिजिकल काउंट होगा वो करेक्ट हो जाएगा अगर हम टोटल वैल्यू करेक्ट करेंगे इसकी क्या ज़रूरत होती है बाज़ दफा किसी चीज़ की रखे रखे वैल्यू बढ़ या घट जाती है और हमें सिस्टम ये सहूलत भी देता है कि उस चीज़ की वैल्यू बढ़ा या घटा लें और तीसरी में क्वांटिटी और वैल्यू दोनों को हम एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन हम क्योंकि ये फिजिकल काउंट करके आए और अपनी उस फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट के ऊपर बेस करके करेक्शन कर रहे हैं तो हम ये वाली करेक्शन क्वांटिटी बेस्ड करेंगे इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी क्वांटिटी है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है और जैसे ही हम वो करेक्शन करेंगे ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेंट्री का एसेट्स करेक्ट हो जाएंगे और उसके साथ साथ ही हमारी इन्वेंट्री काउंट भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ हमने जो एडजस्टमेंट अकाउंट देना है उसको हम देख लें अगर याद होगा आपको पिछली दफ़ा हमने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था बैड डेट वो अभी यहाँ मौजूद है और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हमारा इस किस्म का कोई लॉस होता है कोई नुकसान होता है कोई स्पॉइलेज होती है किसी वजह से भी कोई इन्वेंट्री में कमी होती है तो वो हमें जो रिकॉर्ड करना है वो एक एक्सपेंस होता है यानी हमारा ख़र्चा है अब वो पैसे नहीं आएंगे वो हमारा नुकसान हो गया अगर आपके पास वो वाला हेड मौजूद है तो ठीक है नहीं तो आपने जाके एक नया हेड बनाना जो बेसिकली आपको ये बताएगा कि ये किस टाइप का हेड है जिसके अंदर हमने ये चीज़ सेव करनी है ये हमारा एक्सपेंस टाइप है और इसका नाम है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ये इस्तेमाल किस लिए होता है हमारा एडजस्टमेंट अगेंस्ट फिजिकल इन्वेंट्री ऑडिट ये सारी चीज़ें हमने दे के इसे हमने सेव एंड क्लोज कर देना है अब हमने यही चार्ट अकाउंट का हेड अकाउंटिंग हेड इन्वेंट्री एडजस्टमेंट इस्तेमाल करना है जब भी हमने कोई भी गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है अपने सिस्टम में याद रखे कि अब ये जो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है ये एक एक्सपेंस है हमारा एक खर्चा है अगर हमारे पास लॉस हुआ है नुकसान हुआ है तो ये हमारा बढ़ेगा और अगर हमें किसी तरीके से कोई फ़ायदा हुआ है तो ये घटेगा फ़ायदा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कैसे हो सकता है हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स आए हों जो हमने उस वक्त अकाउंट फॉर नहीं किए फ्री ऑफ कॉस्ट आ गए हों लेकिन अब हमारी इन्वेंट्री में वो आ गए हैं तो उनकी तादाद बढ़ गई इसी तरह से जब भी हमें कोई इक्विपमेंट लेते हैं तो उसके साथ छोटे मोटे पार्ट्स भी हमें वो एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं जब वो एक्स्ट्रा पार्ट्स हम अकाउंट फॉर अपनी इन्वेंट्री में करेंगे तो हमारी इन्वेंट्री की काउंट बढ़ जाएगी तो ये बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं स्पॉयलेज या नुकसान हो सकता है आपका कि आपके पास चीज़ ख़राब हो गई ज़ाया हो गई चोरी हो गई उस पर हमने इसको माइनस करना है और अगर बढ़ गई तो इसको हमने प्लस करना है इसको हम किसी कस्टमर जॉब से भी साथ लिंक कर सकते हैं कि हमारा ये नुकसान फलाने कस्टमर जॉब के साथ हुआ है लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इसको एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट इन्वेंट्री एडजस्टमेंट इसके बाद हमने सेलेक्ट वो आइटम्स करने हैं जो हमने करेक्ट करने हैं सारे आइटम उठा के हम यहाँ लिस्ट नहीं करेंगे हमने इधर जाके वो तमाम आइटम जो वहाँ मौजूद थे उनमें से हमने सिर्फ वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जिस पे हमने करेक्शन करनी है आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि हम ये दो आइटम जो है वो करेक्ट करना चाहते हैं यानी कि सीमेंट पोटलैंड और सीमेंट वाइट ही हम इसे कहेंगे ऐड सेलेक्टेड आइटम्स तो ये हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा अब याद रखें कि ये हमारे पास वो रिकॉर्ड है जो कि हमारे सिस्टम से आ रहा है ये वो रिकॉर्ड नहीं है जो हमने फिज़िकल काउंट के बाद पता किया यह आपको इल्म होगा कि हमारे पास गोदाम में सीमेंट की बोरियाँ पड़ी हैं और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी दफ़ा सीमेंट की बोरी किसी भी वजह से फट सकती है और वो अब एज़ अ सीमेंट बैग सेल करना मुमकिन नहीं रहेगा जितना हमारा इस तरह का लॉस हो गया है हमने उसे फिज़िकल इन्वेंट्री के काउंट से बाहर करना है अब हमारे पास दो तरीक़े हैं इसको हैंडल करने के हम इसे न्यू क्वांटिटी से भी हैंडल कर सकते हैं और क्वांटिटी डिफरेंस से भी हैंडल कर सकते हैं अब हमारे साथ हुआ ये है कि जब हमने फिज़िकल काउंट किया तो हमारे पास 300 में से पाँच बैग फटे हुए निकले तो बाकी जो बैग बच गए हैं उनकी तादाद है दो जो कि नई क्वान्टटिटी नई क्वांटिटी का मतलब है ये फ़िज़िकल काउंट है जो कि हम अपनी फ़िज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट के ऊपर नोट करके लाए हैं पाँच बैग हमने वहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि वो अब ज़ाया हो गए हैं जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिफरेंस माइनस में आ गया माइनस का मतलब ये है कि पांच जो क्वांटिटी है वो हमारी वहाँ कम हो गई दूसरा काम ये हुआ है कि जब हमने बैग गिने तो गलती से हमने शायद किसी कस्टमर को नादानस्ता तौर पे बैग नहीं भेजे हैं और हमारी इन्वेंट्री में दस बैग ज़्यादा हैं जब हमने ये बैग इसमें इन्वेंट्री फिज़िकल इन्वेंट्री करने के बाद लिखे तो ऑटोमेटिकली हमारी नई क्वांटिटी 10 से बढ़ गई अब आपके पास एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हैं और वो ये है कि हमारे पास 300 में से दो बैग बचे हैं हमारे वाइट सीमेंट के पाँच आया हो गए और जब हमने काउंट किया तो 10 बैग ज़्यादा निकल आए हैं हमारे पोर्टलैंड सीमेंट के तो हमने क्वांटिटी डिफरेंस 10 डाला है तो ऑटोमेटिकली हमारा न्यू क्वांटिटी बढ़ गई है तो आप दोनों तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं जब हमारा डिफरेंस लॉस में होगा हम इसे माइनस के साथ लिखेंगे अगर हमारा डिफरेंस गेन में होगा तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे और इसके साथ ही ये तमाम जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई थी वो हमारे पास नीचे आ गई है और टोटल वैल्यू एडजस्टमेंट भी सिस्टम ने खुद कर दी है। बेस्ड ऑन आपने जो इसकी कॉस्ट दी हुई थी नंबर ऑफ आइटम एडजस्टमेंट जितने आइटम हमने एडजस्ट किए हैं वो दो हैं और अब आपके पास जो आपकी इन्वेंट्री होगी उसकी वैल्यू पैंतीस सौ रुपए से बढ़ जाएगी और जो आपकी फिजिकल काउंट होगी यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं ये है वैल्यू या अमाउंट और ये है फिजिकल काउंट आपके इन्वेंट्री का तो आपका वैल्यू पैंतीस सौ रुपए से बढ़ जाएगी और आपकी जो काउंट है इन वन केस पांच से कम होगी और इन द नेक्स्ट केस दस से बढ़ जाएगी एक ही एंट्री से हमारे दो पहलू कवर हो जाएंगे फिजिकल इन्वेंट्री जो हमारे पास रिकॉर्ड रखा हुआ है गिनती काउंट जो हमारे पास है वो ठीक हो जाएगा और अकाउंट्स की वैल्यू ठीक हो जाएगी इसको हमने करना है सेव एंड क्लोज और हमारे पास अकाउंट्स में और स्टॉक इन्वेंट्री दोनों करेक्ट हो गई आपने देखा कि किस तरह फिज़िकल ऑडिट के बाद हम उस रिपोर्ट को अपने सिस्टम में एंटर और रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमारे पास फिज़िकल ऑडिट के बाद जो भी रिपोर्ट फिज़िकल इन्वेंट्री वर्कशीट आए वो सही मैनेजमेंट के किसी भी हाई ऑफिशियल से ऑथराइज और स्टैम्प्ड होनी चाहिए ताकि ये रिकॉर्ड में हमारे पास रहे बेस्ड ऑन दैट फिज़िकल इन्वेंट्री हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे और ना सिर्फ हम अपडेट करेंगे उसका काउंट उसकी गिनती बल्कि उसकी वैल्यू भी वो आपने देखा कि हमारे पास एक फॉर्म है जिसमें हम सबसे पहले वो चीज़ सेलेक्ट करते हैं जो हमने करेक्ट करनी है उसका हम काउंट भी ठीक कर सकते हैं और उसकी हम वैल्यू भी ठीक कर सकते हैं लेकिन इस केस में हमने उसकी क्वांटिटी ठीक की और क्वांटिटी ठीक करने की बुनियाद पर उसने अपनी वैल्यू खुद ब खुद ठीक कर ली दोनों केसेस में उसने अपनी अकाउंट्स में अकाउंट्स के एसेट वाले सेक्शन में उसने अपना वैल्यू बढ़ा ली और काउंट उसने जहां कम करना था वहां कम कर लिया और जहां बढ़ाना था बढ़ा लिया ये सारे काम आपने एक फॉर्म से एक वक्त करेक्शन डालने से कर दिए है। बेसिकली आपने एक काम किया है और आपकी अकाउंट्स भी ठीक हो गए हैं और आपकी इन्वेंट्री स्टॉक भी ठीक हो गई सो दिस इज हाउ यू को रिलेट योर फिजिकल इन्वेंट्री विथ योर सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर इन्वेंट्री एंड अपडेटेड पीरियोडिकली एज पर योर बिजनेस नीड्स